ब्रह्मा व्यसन महेश ए ब्रह्मा विष्ण महेश सुमरन करी गुरु गोरख मत वाले का ब्रजलाल गोपाल दयाल हरि नंदलाल तुमरली वाले का हनुमान सती मत वाले का देह बालक राम सिमर गोपी संग राजा गौर बंगाले का पालेगा हमसे जागो पी चंद नाम काम नहीं पड़ता हमसे अवदाता दुर्गे दीजिए बुद्धि विद्या वरदान देव हार दाता तू ही प्रकृति छुप कामा प्रकृति छुप कामान ज्ञान दे इस मोहताज मती मंद को इस मोहताज मती मंद को दे अकल हलप की सकल बांध साबत कर दे अचर सबको मेरे जम के फंद को कहे बालक राम नाम है सचत मैं तो नित सिमरू गोपी फंद को सिद्ध सिद्ध के दाता है सिमरू शारद माता मेरा करो सपूरन दान तेरा जग में बोलिए शंकर भगवान की सतगुरुदेव भगवान की आदि कथा राजा गोपीचंद और ये 5 दिन वो प्रोग्राम है और 5 दिन 4 रोज तो 12 बजे तक ये सत्संग चलेगा और आखिरी रात मानो 5वीं रात की है वो सारी रात आ सत्संग होगी जगह मां और भी साधु महात्मा बुलाया गया है वह भी पहुंचेगा तो 5 दिन में प्रोग्राम है कथा एक ही रहेगी योगेश्वर गोपीचंद महाराज तो इन्हें अगर कुछ भूल हो जाए तो माफी उतरना तो कह एक समय के मां महाराज गोपीचंद स्नान करने के लिए अपने ख्वाहिश ने दूत ने बुलाई है और हुक्म करो मेरे स्नान को टाइम है नित्य नेम पूजा को टाइम है
और वो वक्त आ गया है मेरे लिए गर्म पानी। तो जैसो राजा वो हुक्म हो आदेश हो भी के मुताबिक ख्वाहिश पानी ला करके दे दियो है। राजा वस्त्र खोल करके स्नान करने लगे तो कवि बालग्राम करती ये कथा है। तो भी टाइम दो चार पांच बूंद पानी की राजा के स्नान करने पहले राजा के शीश के ऊपर आकर के गिरी है। तो ये देख करके राजा बड़ो अचरज करो आसमान में तक आयो कोई बादल नहीं है। फिर और इन्हें मैंने ध्यान करो कोई दरखत भी नहीं है कोई परिंदो भी ऊंचो नहीं उड़ने लाग रही है। फिर ये पानी किस जगह से आयो। तो कैसे हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आप थोड़ा ऊपर ध्यान करके देखो किस तरफ जिस तरफ आपकी माता को मैल है। बाल अवस्था का महाराज गोपी चंद जब ऊपर ध्यान करके देखे तो के मां के आंख से आंसू आने लाग रहे। मां के आंख का आंसू देख करके स्नान नहीं करो और उसी वक्त अपना वस्त्र पहन करके हाथ जोड़े एक टांगे तार माता ने प्रणाम की और हे मां मेरे राज के मां आपने ऐसो के दुख है जो आपकी आंख में आंसू कोई तकलीफ है तो कहो मेरी रानी कुछ कही है तो कहो। तो माता बड़ो मीठो आशीर्वाद दियो और कहने लगी हे बेटा किसी तरह को कोई दुख नहीं है रानी कभी कुछ नहीं कहो सब चीज की ठाट है पर आपके आंख में आंसू क्यों ये कमर पूछ लिए। तो माता कहने लगी देखो बेटा बेटा रे तुम देता तेरा बाप था और सुंदर रूप रूप सबके किरण महताब तो खिले बदन से धूप। ओ खिले बदन से धूप बेटा एक जग में स्याह नजीर बुआ इस कामरू देश बंगाले में इल्मों में अकल गंभीर हुआ। मर्दाना भगत और दानी सखी दल लश्कर के रन धीर हुआ। आखिर के वक्त कियामत के जलबल के भस्म शरीर हुआ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हे बेटा आज आ मैंने पूछे तो मैं बताऊं मेरे मन की बहुत दिन की सोच यार और कहूं तुम जैसा तेरा बाप थार सुंदर रूप अनूप। हे बेटा तेरो पिता जो हो वो तेरे से भी बढ़कर के बहुत सुंदर हो। चमकत कीर्तन महताब जुर खिले बदन से धूप बड़ो दानी दाता सुरवीर। आखिरी एक दिन वो आ गयो जिस दिन वो सूरज की सी किरण एक राघो ढेर बन गई। ढूंढा नहीं पाया गई तुम जैसी काया इस विधि दिल दलगीर नीर नैनों से आया।
देखे बेटा, आज वो बात याद आ गई तेरे पिता को मरनो देख करके। क्यों? कि एक दिन वो भी तेरे संग होनी है जिस तरह तेरे पिता के संग हुई। ये मेरा दुख है, इसीलिए आंख में आंसू आए। तो राजा के लगे मां, माता जी जो माया हरि ने रची, डाल फूल फल पात, यही जगत की रीत है। मैया एक आवे एक जात। हे माता, जो माया हरि ने रची, डाल फूल फल पात, यही जगत की रीत है, एक जावे एक आत। हे मां, आ कोई अचरज की बात नहीं है, इमें कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो सदा की परंपरा चलती आई है। तो माता फिर के लगी है, हे बेटा, इंसान अगर कुछ करना चाहे तो भी काल के मुख से बचो जावे। किस तरह? बेटा रे, जग में जतन अनेक है, जो आदम कर ले काल चक्र लागे नहीं, छुट जाएगी दे। बड़ा जतन है अगर कोई इंसान करना चाहे तो, छुट जाएगी देह जगत से, ना वो नरक कुंड का वासी हो, न जाता वो दर दो जक में, ना काल फंद गल पाती हो। ना प्रेत योनि में पड़ता है, ना भुगते लख चौरासी वो, ना लेन फिस्ता आता है, ना भुगते लख चौरासी वो। बेटा रे, जग में जतन अनेक है, और जो आदम कर ले अगर इंसान करनो चाहे, जो आदम कर ले काल चक्र लागे नहीं, छूट जाएगी दे। ना वो प्रेत योनि में जाए, ना लख चौरासी में जावे, और ना भी ने यमगा दूत लेने आवे। कट जाए गल फांसी, और मिले इत विस्त विलासी, हो जा अमर शरीर, तुरत होवे बंद खुलासी। सदा सदा के लिए अजय अमर हो जे, ऐसा भी कई त्रिक है। वो जन्मा है जगत में, कौन सार मुझको दे बतलाए, मैं अमल दखल उस पर करूं, जो काल फंद कट जाए। हे माता, ऐसो कोई इलाज है तो मैंने आज तक क्यों नहीं बतायो? अब भी कह दे, ऐसी वो कौन सी दवाई है जिसके खाने से काल को फंद कट जे, इंसान की मृत्यु ना हुए। तो के छुट जाऊं गम से, जतन बतलाए कदम से, निकाह 84 बार दूर हो जाऊं जम से। हे माता, ऐसी कोई वस्तु है तो फिर बतलाना। बेटा रे,
चक्री की चोट ये बचना चाहे गजब से तो ले सतगुरु की ओट। बिना हटाए ना हटे काल चक्र की चोट, और जे बचना इस गजब से तो ले सतगुरु की ओट। हे बेटा, अगर तू वो रास्तो लेनो चाहे तो ई राज करिया, घर में रहिया कुछ नहीं होवेगो, गुरु की शरण में जानो पड़ेगो, भेख लेनो पड़ेगो, जोगी बन जावो, शरण सतगुरु की आओ, करो सपूर्ण काम धाम हमरा पुर पाओ। गुरु जी की शरण में जाकर के और जो गुरु मार्ग बतलावे भी पर चलो, तन मन धन से फकीरी करो। तो जो करनु है हे माता, जका ना अच्छा भाग हुए, बाने अमीरी ऐस मिले, राजपाट मिले, और वही बड़ा पुण्य करने हूं। तो हे माता, ईश्वर की आज मेरे पर दया हुई है, और राजा को राजकुमार बन परमात्मा मने बनाई है, और तू माता होकर के और मने तू जोगी बनावे, ये बात अच्छी नहीं। तो माता बतलाए, हे बेटा, बेटा रे जोगी जुग जुग कर रहे, अरे चार जुगों का राज, अमरा पर तोर लोक में तो चतुर सखी के ताज। तेरो तो थोड़ो सो राज है, और योगी से कहे वे चार युग का राजा है। हे बेटा, चतुर सखी के ताज सदा शिव हर कोने की विसारत है, करे जोग जुगत पर हुक्म करे और पिछला जन्म सुधारत है। एक जोग साधे दूजा राम भजन, तीजे काया को निसतारत है, करे काम क्रोध हंकार लोभ ममता इंद्री को मारत है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जोगी कर रहे चार जुगों का राज, एक जोग सजे दूजे राम भजन, तीजे काया को निस्तारत है, कर ज्ञान काम क्रोध लोभ मोह ममता पांचों इंद्रियों को मारत है। अब तजो अमीरी राज छोड़ करो फकीरी, कर जोगी का भेद छोड़ सुल्तान वजीरी। हे बेटा, मेरी मानो तो आज क्यों ई टाइम गुरु जी की शरण में जाकर के और फकीर बन जाओ। माता जी राज बीच कुछ व्यस्त है, असरत भोग विश्लास, हुक्म सकुम अरे लक्ष्मी सभी हमारे पास। हे माता, राज है, सुख है, आराम है, हुकूमत है, घरे लक्ष्मी की कमी कोनी,
फिर क्यों जोगी बनावे? जोगी बने जका लोग कोई न कोई इच्छा लेकर के बने, और वो चीज मेरे कने सब कुछ है मां। हाँ एक और बतलाऊं, सागे तो घर बैठे जोग होवेगो हे माता, और सागे मेरो राज भी रहेगो, वो की है सुनो माता। माता एक जतन मेरी अकल में, और याता कहूं पुकार, वह होता ज्यादा जोग से, देत वदन निस्तार, देत वदन निस्तार सरू, मैं ईश्वर का स्थान करूं, एक ईश्वर का स्थान करूं, नित उस प्रीतमा पत्थर को उस पर ब्रह्म का मैं ध्यान करूं, और गंगा जी स्नान करूं, और सदा वरत यस में गई अक लग चर गऊ को मैदान करूं, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हे माता एक ऐसो जतन है जके मां सब कुछ आयो जे, एक जतन मेरी अकल में आता कहूं पुकार, होता ज्यादा जोग से देत बदन निस्तार, देत बदन निस्तार। पहले तो बात यह है कि मैं एक अपने गुरु के नाम को या परमात्मा को मंदिर बनाऊं, और भी मंदिर के मां अपने प्यारे भगवान की एक तस्वीर रखूं, सुबह श्याम बड़े प्रेम मूर्ति पूजन करूं, धूप अगरबत्ती करूं, जितना भी तीर्थ है 68 तीर्थ निज धाम फिरूं, और गंगा में स्नान करूं, यूं सदा वर्त असमेघ यज्ञ लख चार गऊ पुण्य दान करूं। हे माता जितना तीर्थ स्नान करूं, गंगा स्नान करूं, बड़ा बड़ा यज्ञ करूं, गऊं को दान करूं, वर्णी बिठलाऊं, कथा महाभारत गाऊं, पढ़ूं गीता का पाठ, धाम अमरापुर जाऊं, नित गीता को अध्याय पढ़ू, बड़ो बड़ो पुण्य करूं, चारू धामा में घूमू, ओ भी तेरे जोग से प्यारू है माता, अगर आपको हुक्म है तो मैं ये कर दूं। तो माता बतले ही बेटा, बेटा रे संग सरीक मुरार केर पत्थर पूजे पाप, एक बेअदबी भगवान की, दूजे सीता देवे सराप, दूजे सीता देवे सराप, कहे मेरे क्या पत्थर भर तार होए, सतगुरु गोरख जी सब पत्थर जल में डाल गए, वहां मैं नक मछली तीरथ में, बोलो कितने के स्वर्ग तिर हार गए, साठ हजार किए वो क्यों ना भमसे पर गए, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
माता बतलाए बेटा संग सरीक मुरार के पत्थर पूजे पाप। तू तो कह मैं एक भगवान को मंदिर बनाऊं मूर्ति रखूं और भी मैं पूजा करूं, ऐसो नहीं। पत्थर पूजे पाप एक बेअदबी भगवान की दूजे सीता देवे शराब। कैसो सीता देवे शराब मेरे क्या पत्थर भरतार भये। इसी सबब सतगुरु गोरख जी सब पत्थर जल में डाल गए। तू कह मैं स्नान करूं तीर्था पर जा करके तो वह मेंढक मछली तीर्थ में कितने के भवसागर पार गए। यज्ञ सगड़ ने 60,000 किए राजा सगड़ होयो। 60,000 अश्वमेघ यज्ञ करया फिर भी एक दिन काल को ग्रास बनो वो क्यों ना भाव से पार गए। और तू कह मैं कथा बांचू कथा सुनू तो के राजा परीक्षित परीक्षित मारे कथा के सुनने हारे। राजा करण कर दान गया खाली हाथ पसारे। सवा मन सोने को दान करने वालों राजा करण बिंगो भी अंत हो वो भी मरियो और गयो तो खाली हाथ। इसीलिए तने कह रही हूं कि जोग से बढ़ करके कोई और वस्तु नहीं है जो तू कर। माता पिछले जन्म कोई तप किया अब मैं नरपसे बनो फकीर। आखिर वक्त वफात के हर होंगे दलगी। पिछले जन्म की कोई बड़ी अच्छी भक्ति करेड़ी ही तो इस जन्म में भगवान मने राजा बनायो। और हे माता आज ही राज ने ही सुख आराम इसने छोड़ करके और मैं फकीर बनूं तो भगवान मने दरगाह में के उत्तर दे के पूछेगा भी तने एक राजा बनायो और मूर्ख तुम दर दर को मंगतो हो गे और भीख मांगने लग गयो तो मेरा भगवान मेरे पर नाराज होएगा। माता बेटा सुलता से जोगी बना जो राज की प्रीत भवसागर तर जाएगा। कोटि जन्म ले जीत मेरो कहनो मान ले। बेटा सुल्तान से जोगी बनो राजा से जोगी बनो और तजो राज से प्रीत भवसागर तर जाएगा। कोटि जन्म ले जीत बहुत ज्यादा कहने के ऊपर राजा गोपीचंद अपनी मां ने बतलावे हे मां आज जैसी आज तक तेरे जैसी मां और कोई नहीं हुई होनी। क्यों माता तुझे प्यार मोहब्बत है नहीं और दर्द दया ना रे। देख पिता के मरने को तुझे हुआ सुधारी में हुआ सुधारी बह में मुझे दे जोग राज से तारत है। सुख कसरत ऐसे छोटा मेरी सिर विपत मुसीबत डालत है।
आंख में देखो गलत है। इस बालापन की गिरदस्त लाके क्यों घर से बाहर निकालत है। माता तुझे मोहब्बत है नहीं, फर्जंद की दर्द दया नहीं रहे। एक ही बेटो और वो तू मां, देख पिता के मरण को हुआ सुदाई बहन, बाप को मरनो देख करके और मेरी अमीरी ई राजू तुमने दूर ना कर। जो कुदरत करेगी वो तो होनो ही है। हुआ सुदाई बह मुझे दे जोग राज से टारत है। सुख असरत ऐसा छुटा मेरी क्यों सिर पे मुसीबत डारत है। दर दर की भीख मंगा माता क्यों खाख में देखो गालत है। इस बालापन के ग्रदस में लाकर क्यों घर से बाहर निकालत है। पुत्र के ताई माता समझो मन माई, बालापन के बीच योग सदने का नाई। अभी उम्र मेरी योगी होने की नहीं है, कुछ साल मने ओ राज को सुख लेने दे, क्योंकि अभी तो मेरो मिल्क ने बचपन है। तो माता के लगी देखो बेटा आई उम्र है, अगर तू कर सके तो। बेटा बालेपन में पुण्य करे होवे काया कल्याण, बालपने भक्ति करे उसे फेर मिले भगवान। बचपन की जकी उम्र है इमें भजन कर ले, दान कर ले, तीर्थ कर ले, जो कुछ कर ले वो वही है। बालापन गाना, बालापन बन जाना, बालापन दरम्यान रीत में जोग कमाना। बचपन की जिसकी उम्र है वो सर्व महान है। तो राजा बतले मां तू मन नहीं घरू इतनी क्यों बारे कटे या कोई और ही बालक जोग करियो। बोलो रे तेरनो पहले तो बहुत तेरनो बहुत छोटा छोटा जक्का बच्चा, वह भी भगवान का नाम को जोग लियो और भक्ति करी जक्का वो आज तक नाम है। वह कौन है मां? बेटा रे बाले पन में तज गए धरु भगत धर ध्यान, ब्रह्मपुरी में जा किया गगन अटल स्थान, गगन अटल स्थान फ्रीद बाले पन सिद्ध गमगीर हुए। वह धुंधरी सी अजय पाल कुल तज कर राज फकीर हुए। श्री दत्त जलंधरी राज त्याग करी जोगी वो जगत के पीर हुए। भागीरथ व्यास मुनि जोगी बन अमर शरीर हुए। बेटा रे बालापन में तज गए धरु भगत धर ध्यान, ब्रह्मपुरी में जा किया गगन अटल स्थान। तू तो बहुत बड़ो है रे धरु, तो बिल्कुल बच्चो हो और जब ही भगवान के सागे लगन लगी तो आज तक अटल है। और भी बहुत होया गगन अटल स्थान फ्रीद वाले प्रसिद्ध गमगीर हुआ।
जकन शेख फरीद का वही बचपन में भक्ति ली, बचपन में योग करो। और धुंधर इसी अजय पाल कल तज राज फकीर हुआ, और फिर ज्यादा दूर क्यों, श्री दत्त जलंधर राज त्याग करे, जोगी हो जगत का पीर हुआ, सुखदेव भागीरथ व्यास मुनि जोगी बन अमर शरीर हुआ, बाली स्वर्ग सिधारा, कपल मुनि हरि का प्यारा, राज सभा सब त्याग रूप जोगी का धारा। ऐसे का इतना लोग होया, वह सब अपनो राज छोड़ छोड़ करके जोग करो, और जब तक ये धरती आकाश रहेगी वह लोग अमर है, अमर रहेगा मरिया नहीं है। माता जी शहर बंगाले की हद में जोगी बसे हजार, किस गुरु को सतगुरु करूं कौन उतारे पार। ये बंगाल बहुत बड़ो सूबो है, लाखों योगी रहने लाग रहे हैं। हे माता, ऐसो कौन सो संत है जो मैंने धरूं, या बाकी जितना पीर फकीर हुए मांगे समान बना दे। कौन उतारे पार बहार से किस शुद्ध का सिंधु को बतला मुझको, ले चरण गुरु की शरण पढ़ू सतगुरु को जल्द बता मुझको। जिस जगह जन्म जगह सफल होवे दे रस्ता वो मुझको, मैं जिस कायदे दस्तूर बिनू वो विधि दे सब समझा मुझको। शेर गवा ऐसो कौन सो फकीर है, हे माता बतला जो मेरो कल्याण मेरी मुक्त करे। ये रीत दुहेली साथ ले जाऊं, जाता हूं खुद आप सिर्फ ले जा अकेली, ये तेरो राजपाट संभाल माता, ये सुख आराम तू संभाल, और अगर तय कहे तो तेरो वचन निभाने के लिए हे मां मैं जाऊंगा। बेटा जी तेरे विषम बंगाल में ज्योति जले दिन रात, वहां एक जोगी तप करे तो पीर जलंधर नाथ, पीर जलंधर नाथ अगाड़ी बेल फूल फल पान धरो, कर परिक्रमा प्रणाम करो मत हुक्म अदुल का मान करो। एक चरण चरण पर धर रख के नित्य गुरु चरण का ध्यान करो, पूछे सब मुपलिस अपना बयान करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बेटा महान आज के वक्त के मां ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही कोनी, तेरी नगरी के मां पीर जलंधर नाथ अपने धुने पर बैठा योग करने लाग रहे, बड़ा अच्छा भाग है अपना जो वे अपने नगर में पधार रहे, तो बड़ा आदर सम्मान से जाकर के पान फल फूल की भेंट करो चरणा में,
फिर गुरु प्रणम प्रकम्मा दे करके प्रणाम करके, और जब गुरु पूछे तो माने मन की बात कहनी है, धर ध्यान दुहेला चला जा आप अकेला, तज असरत सुख चैन बनो जोगी का चेला। अरे ले माता हम जाता है और तेरा तज के मुल्क बंगाल, अब जाकर जोगी बनू तुम सल्तान संभाल। ए तू सल्तान संभाल हाल में हुक्म अधूली को दूर करूं, तजराज तकत को जाता हूं अब बचन तेरा मंजूर करूं, गुल बदन वो खाख जरूर करूं, एक पल के सकल में टिकता नहीं अब जाकर जोग जरूर करूं, ले माता हम जाता है तज के राज बंगाल, अब अपनी शक्ल तने जब भी दिखावांगा मां जद जोगी बनांगा, तजकर राज बंगाल अब जाकर जोगी बनू तू सल्तान संभाल, ये राज ये ऐस अमीरी ये महल मकान और ये ढाके बंगाले को राज, बनखंड को जाता राज छोड़ जोग कमाता, मेरी अर्ज आबाद तेरी खिदमत में माता, हे माता मेरी अब आखिरी परनाम है, अब आपने शकल दिखाऊंगा तो जोगी बन करके ही परना नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। जोग ले न राजा चले और तजा तख्त और ताज, माल मुकल हसमत तजी और बंगाले काराज, ऐसी बंगाले काराज राजा उठ आपस हारत है, उठ आप के आपस हारत है, जपीर जलंधर जोगी को आदेश आदेश पुकारत है, हाथ चरण में डालत है, कर ध्यान चरण के कान खड़ा मनु गुरु के वो शब्द उसारत है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जोग लेन राजा चले तजा राज और ताज, माल मुकल माल मुलक हसमत तजी और बंगाले कारा, गुरु पीर जलंधर नाथ अपने धूने पर बैठे है, दे प्रकम्मा प्रणाम करी फिर हाथ शरण में डारत है,
धर ध्यान चरण के तान खड़ा मन गुरु के शब्द उचारत है। जोगारम बानी अगम निर्गुण की कहानी अनहद धुनि धर ध्यान शब्द बोले निर्बानी। बड़े मीठे शब्द आऊं गुरु आदेश करिए और आदेश गो उत्तर। पलक खुले जब नाथ के ओ पलक खुले जब नाथ के और देखा आंख पसार एक लड़का नजरों पड़ा चमके बदन अंगार ए चमके बदन अंगार बदन से फुल झड़िया सी झड़ती है ए फुल झड़िया सी झड़ती है सवदस का चांद ललाट भया सूरज की किरण सी पड़ती है। आंखें सस में वो लड़ती है पग पग में मनी मस्तक के ऊपर और उधर कसी धरती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। पलक खुले जब नाथ के देखी आंख पसार ध्यान करो बड़ो सुंदर राजकुमार पग में पदम माथे में मनी सूरत मतवारा धरा निज ध्यान हमारा अरे बाली उमर नादान खड़ा कोई राज दुलारा। गुरु मन में विचार करिए कोई राजा महाराजा को राजकुमार है और तेरे धुने पर आई है। कौन भंवर किसका कंवर कौन धाम क्या गाम किस निरपजन का पुत्र है तो कौन जात क्या नाम। कौन जात क्या नाम बता दे क्या हमसे मतलब तेरा क्यों विषम भटकता फिरता है इस गुलशन में लाया फेरा। शहर पना को छोड़ बच्चा तू जंगल में फक्कड़ घेरा क्यों जंगल में फक्कड़ घेरा तुम हाल मुफलिस का बयान करो किस कारण पग पकड़ा मेरा। कौन भंवर किसका कंवर हे बेटा कौन से गांव को रहने वालों किस राजा को बेटो। कौन भंवर किसका कंवर कौन धाम क्या गाम किस नृप का पुत्र है कौन जात क्या नाम। हे बेटा ई उजाड़ जंगल गए मां अकेलो फकीर का आकर के चरण पकड़े क्यों के मतलब हो चरणन चेरा गले क्यों अंचल घेरा अपना मकसद खोल कूच कर जाओ डेरा। ज्यादा फकीर अगर बैठनो अच्छो नहीं हुए हे बेटा तेरो कोई मतलब है तो बोल कह और फिर चलो जा।
का पुत्र हूं और घोड़े बंगा लागा मैं पैसा नगरी का तो गोपी चंद है नाम गोपी चंद है नाम उम्र बीती सल्तान वजीरी में उस वक्त फना को याद करूं मन पर तो बहुत दलगीरी में नहीं लगता मुल्क जंगीरी में ये वक्त आखिरी तज़हीद हुई मेरा दिल लगा आज फकीरी में हे गुरुदेव पद्म सैल का पुत्र हूं गौड़ बंगाला ग्राम मैं निरपिस नगर का गोपी चंद है नाम हे गुरुदेव मैं इसी नगरी को राजा हूं महाराज पद्म सैन को पुत्र हूं मेरो नाम गोपी चंद है ये इतनी उम्र जकी बीती है वो आराम है समीरी में बिताई है इस मूर्ख मन को समझाता ये लगता नहीं जागीरी में ये आखिर को तजबीज हुई मेरा दिल लगा फकीरी में हे गुरुदेव आप कहने मेरे आने को कारण दो मुझे फकीरी रियायत छोड़ अमीरी आखिर वक्त वफात कोई होता नहीं सीरी ये सोच बचपन जुआने बुढ़ापोर भी के बाद मौत हे गुरुदेव ये परिवार ये रिश्तेदार ये धन दौलत मैल इसी जगह रह जाएगा कोई किसी को साथ देने वालों नहीं है ऐसी बात सोच करके समझ करके आपकी शरण में आयो क्योंकि गुरु को साथ अजय है तो आपकी शरण में आयो हूं मने जोग देव गुरु बतलावे हे बेटा इस छोटी सी उम्र के मां ऐसो स्यों कौन इसके या तो तेरे मन में कोई चिंता है या तेरे पर कड़ी दुश्मन चढ़ाई करी है तू हार क्यों है या घरे तेरे सागे रानियां क्लेश करती होनी या तेरी माता तेरे सागे क्लेश करो हो या कोई और बात है ऐसो आज तक मैं आदमी नहीं देखो के आराम अपनो राज घर बार छोड़ के कोई जोगी बनने आजे क्या हुई लड़ाई लड़ी या मैं ना माई क्या सुख संपत्ति का तेरा दिल हुआ सौदाई